जी स्टूडेंट्स, अर्ली विश, आप सब ठीक हैं? सो वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 की, द पीरियडिक टेबल एंड द पीरियडिसिटी ऑफ एन एलिमेंट्स। सो हियर वी हैव द नेम ऑफ दिस चैप्टर ऑन पेज नंबर 44, द पीरियडिक टेबल एंड द पीरियडिसिटी ऑफ एन एलिमेंट्स। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं एमसीक्यूज की। सो एमसीक्यू नंबर 6 रिमेनिंग पार्ट जो है उसको हम कैरी ऑन करेंगे। दे आर आस्किंग अ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है? तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें ऑप्शंस में तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन दिए हुए हैं। लेट मी जस्ट गिव यू एन हिंट, लुक एट दिस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आयोडीन की स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी, आपको नज़र आ रहा है 2.7, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव 4.0 की होगी। ये बोर्ड में एमसीक्यूज बहुत मरतबा पूछ जाता है, सो इट्स अ बोर्ड एमसीक्यू, इसको आप मेमोराइज रखें। उसके बाद अगर हम मूव करें टूवर्ड द 7th एमसीक्यू, अलॉन्ग द पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेज एटॉमिक रेडियस की तरफ हम देखें, लेट मी जस्ट शो यू अ हिंट, अलॉन्ग द पीरियड दे आर आस्किंग। अलॉन्ग द पीरियड, लुक एट दिस, द एटॉमिक रेडियस इज डिक्रीजिंग। सो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज कर रहा है, इट मीन्स दैट के दैट इज गोइंग टू बी द क्वेश्चन व्हाट दे आर आस्किंग फॉर। आई होप दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। लेकिन हम बात कर लेते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की भी। आयनाइजेशन एनर्जी में आप देख सकते हैं इंक्रीज कर रही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तरफ देखें तो वो भी इंक्रीज कर रही है अलॉन्ग द पीरियड, लुक एट दैट। और स्टूडेंट्स, नेगेटिव साइन का मतलब नेगेटिव नंबर नहीं है, नेगेटिव एंथैल्पी है। और नेगेटिव एंथैल्पी का मतलब है हीट बाहर आ रही है, तो आपने ये नेगेटिव नंबर के साथ नहीं अटैच करना। इस लिहाज से अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज़ कर रही है। उसके बाद हम अगर बात करें मज़ीद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आप देख सकते हैं इट्स जस्ट बीइंग समथिंग लाइक इंक्रीजिंग, सो ओनली एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स? अगर स्टूडेंट्स हम चैप्टर में बात करें पीरियोडिक टेबल के अंदर, इट्स समथिंग लाइक द ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट? दीज आर द एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये सब जो हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं और ये सब मेटल्स होते हैं, ठीक है? ये आपने मेमोराइज रखनी है बात। मेटलॉइड्स जो हैं वो पी ब्लॉक में आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा गैसेस जो हैं वो डेफिनेटली नोबल गैसेस ऑल। इसके अलावा कुछ यहाँ पर आपको पी ब्लॉक के टॉप पे कुछ गैसेस नज़र आएंगी। उसके अलावा अगर हम देखें, दे आर आस्किंग अबाउट मेटलॉइड्स, ओके, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स भी आपको स्टूडेंट्स ये नज़र आएंगे। ये ब्लू पार्ट हुआ है, ये सब जो हैं वो नॉन मेटल्स का पार्ट है। उसके बाद अगर हम 9th एमसीक्यूज की तरफ आ जाएं, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी, इट इज़ मेजर्ड इन किलोजॉल पर मोल। स्टूडेंट्स, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी द आंसर। इट इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी व्हेन यू जस्ट नीड इलेक्ट्रॉन टू कम आउट फ्रॉम एन एटम, ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एटम में से बाहर आए तो आपको एनर्जी लगानी पड़ती है बजाय कि एब्जॉर्ब करने के। सो व्हाट आई एम थिंकिंग, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट, बिकॉज दे आर आस्किंग अबाउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। सो इट डिक्रीजेज इन अ पीरियड। अगर हम पीरियड में देखें तो इफ यू जस्ट थिंक अबाउट इट, लुक एट ऑन द पेज नंबर समथिंग लाइक दिस, ओके, सो हियर वी हैव, दे आर टॉकिंग अबाउट आयनाइजेशन एंड एनर्जी। सो अगर पीरियड में देखें तो ये डिक्रीज कर रही है कि इंक्रीज कर रही है? सो दैट इट्स इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग की वजह से जो है दैट कुड बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सो दैट इज़ गोइंग टू बी योर आंसर। इट डिक्रीजेज इन अ ग्रुप, तो आप देख सकते हैं ग्रुप में ये जो है डिक्रीज कर रही है, सो दैट मेक्स द सेंस। उसके बाद मूव करते हैं लास्ट एमसीक्यूज पे इस चैप्टर के, पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में अब इनकरेक्ट बताना है, इट इज़ मेजर्ड इन किलो जौल, ये भी इनकरेक्ट नहीं, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए आंसर नहीं होगा। इट इन्वॉल्व्स रिलीज ऑफ एनर्जी व्हेन एवर यू ऐड इलेक्ट्रॉन टू द एटम, तो वो हमेशा एनर्जी निकलती है, रिलीज होती है, सो दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट, ये भी आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि आपने इनकरेक्ट फाइंड करना है। इट डिक्रीजेज इन अ पीरियड, सो लेट्स चेक इट आउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में, लुक एट दैट। अगर आप देखें तो मैंने कहा था नेगेटिव एंथैल्पी को आपने मेजर करना है यहाँ पे, और नंबर्स को देखें आप इंक्रीज हो रहे हैं, राइट? व्हेन यू आर मूविंग लेफ्ट टू राइट, तो नंबर इंक्रीज हो रही है, इट्स मीन दैट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पे दे आर राइटिंग इट डिक्रीज इन अ पीरियड, सो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, सो दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। इट डिक्रीज इन अ ग्रुप, और आप नज़र आ रहा है इट 328 एंड 328 के बाद 349, 325, यू कैन जस्ट से लाइक कंटिन्यूसली इनकॉन्टीन्यूसली जो है ये डिक्रीज कर रही है, राइट? So that is the MCQ, the chapter number 3.
आई होप आपको मैंने हेल्प की होगी आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में एमसीक्यूज को हल करने के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप इन बातों को मेमोराइज़ रखेंगे जो मैंने अभी आपसे की हैं। अगर आप उसे पढ़ना चाहते हैं या किसी किस्म की भी एजुकेशनल गाइड लेना चाहते हैं या कुछ वीडियोस बनाना चाहते हैं जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहे, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट मी और व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। आप ईमेल कर सकते हैं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन हिट करें, कमेंट करें और बेल के बटन पर निशान के ऊपर आप टच करें, ताकि जब मेरी कोई नई वीडियो आए इस चैनल के ऊपर तो आपको इन्फॉर्मेशन उसकी मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम एंड थैंक यू सो मच।